अब ये भी कहीं से सिर्फ फोन करके कोई ठेकेदार को दम हम दे के मुरुम मंगा लिया होगा, मैं समझता हूँ ये भी फुकट का होगा और लोगों को पहले से ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ बढ़ गई होगी। अब इनका नाम तो हमेशा के लिए मुरुम छापी है मैंने रख देने को ना, यही मेरा बोलना है। ऐसा महीने भी चार पांच दिनों में मैं तो व्हाट्सएप चलाता नहीं, लेकिन दूसरों के व्हाट्सएप के जरिए वीडियो में देखा हूँ और अखबारों के अंदर भी काफ़ी बढ़ चढ़ के वो न्यूज़ लगी हुई है और शहर के अंदर इस बात का चर्चा है कि मुरुम नवाज एमएलए अजीब बात है कि शहर के लोग भी इस बात के ऊपर भी बड़े खुश होते हैं कि एक एमएलए अपने घर के अपने दफ्तर के बाजू के रास्ते पे खड़े रह के खुशी खुशी मुरुम डालता है और उसके मानने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि एमएलए साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। मुफ्ती आमिर साहब को यह, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में यह बात पहले ही लिख दिया कि अगर कोई इसके ऊपर शासी बात करे तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं, असल में वो नेक इंसान हो गए। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक एमएलए को हज को जाने से पहले बहुमत साबित हो जाता आज की सरकार का और ये जा करके सिर्फ मुलाकात करते हैं। वो मुलाकात कैसी थी, या उसके अंदर कुछ फंड इनको शहर के लिए मिला या उनके खुद के लिए कुछ फंड मिला, चर्चा तो ऐसी भी है कि पीछे राज्यसभा और विधान परिषद में जो वोट दी गई उनके लोगों ने बोला है कि हमारे एमएलए साहब ने मालेगांव शहर के विकास के लिए वोट दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि वोट कहाँ दिया, बीजेपी के उम्मीदवार को दिया, महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार को दिया, और अगर उनको फंड मिला है शहर डेवलप के लिए, क्या इनके खुद के डेवलप के लिए मिला, कौन सा फंड मिला, गवर्नमेंट के जीआर निकला ऐसा मुझे मालूम पड़ा, लेकिन खुद के डेवलप के लिए फंड मिला ये अलग बात है। अगर खुद के डेवलप के लिए जो फंड मिला तो उनको मुरुम नहीं डालते हुए, अगर एक खोखा अगर मिला होगा तो एक खोखे के अंदर एक रोड बन जाता था सीमेंट रोड, लेकिन ये खाली उसमें से शहीदों में उंगली नहीं कटाते क्या, इस तरीके से चार मुरुम की गाड़ी मंगवा दी और शहरियों पे एहसान कर दिया मुरुम डाल के। अजीब बात है, शहर कैसे जान कैसे मानने वाले लोग हैं शहर के, कि उसको तो थूकना चाहिए, अब कहाँ थूकना चाहिए वो समझे, झूठ बोलने की भी एक हद होती। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि शायद ये उनके खुद के फंड से या गवर्नमेंट के फंड से ये रास्ता सीमेंट रोड बनवा देंगे। मैं सुना इनके चाहने वाले बड़ी मालेगांव के पास से लेकर के पवारवाड़ी तक की गटर एक ढूंढ रहे हैं, नाला जो कॉरपोरेशन फंड से बनाया गया 1 करोड़ का,
और वो नाला बना, बन के बर्फ कारखाना जो है उसके आगे तक गया, उसका एस्टिमेट वहीं तक था, वहाँ तक वो नाला बना। आगे अंडरग्राउंड गटर बनने वाली है, उसका जो एस्टिमेट प्लान हाईवे से लग के पवारवाड़ी ब्रिज के पास जो बनने जा रहा है, और जल्दी ही वहाँ से अंडरग्राउंड गटर भी बनेगी ताकि नाला उसमें जॉइंट हो जाएगा और दोनों सिमतों का पानी उसमें से निकल जाएगा। हमने तो हमेशा शहर के अंदर विकास डेवलप करने की कोशिश की है और हमारे अपने काम हमेशा ज़मीन पर रहते हैं। हम उल्टा मुरुम डालकर और लोगों की तकलीफ नहीं बढ़ाते। अब मुरुम कहाँ आता है? नहीं तो पिछले दिनों हम जब बचपन में मुरुम देखा करते थे वो इतना अच्छा मुरुम आता था कि अगली बारिश आ जाती तो मुरुम हरे कलर का वैसे दिखता था। अब तो मुरुम नहीं खाली कीचड़ बन जाता है, मट्टी आती है उसमें। अब ये भी कहीं से सिर्फ फोन करके कोई ठेकेदार को दम हम दे के मुरुम मंगा लिया होगा, मैं समझता ये भी फुगट का होगा और लोगों को पहले से ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ बढ़ गई होगी। अब इनका नाम तो हमेशा के लिए मुरुम छापी एमएलए रख देने को ना, यही मेरा बोलना है।